दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं। ऐसे सवाल आए हैं कि मेरे भाई, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, या मेरे चाचा, या मेरे चचेरे भाई, या मेरे अभिभावक, जिनके अंडर में ज़मीन है, जो पूर्वज का संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, वो प्रॉपर्टी बांट के नहीं दिया जा रहा है, बंटवारा नहीं किया जा रहा है। अगर दो भाई, तीन भाई, चार भाई है, या फिर मेरे पिताजी हैं, दो तीन भाई चार भाई हैं, या फिर मेरे चाचा जी हैं, लेकिन आपस में किसी का बनता नहीं है, इसी वजह से लिखित रूप से बंटवारा नहीं हो पा रहा है, किसी के अपने अपने नाम से ज़मीन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपस में आसानी से बंटवारा हो जाए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो भी प्रश्न सवाल आपके मन में होगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। मैं इसी तरह से आपके सवालों पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, या फिर आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको बंटवारा करके ज़मीन नहीं दिया जा रहा है, घर के सदस्य बंटवारा करके नहीं दे रहे हैं, आपके भाई नहीं दे रहे, चाचा नहीं दे रहे, या फिर जितने मैंने बताया कोई भी नहीं दे रहा है, और आप चाह रहे हैं कि मैं अपना हिस्सा ले लूँ, बंटवारा करा लूँ, लिखित रूप से बंटवारा करा लूँ, अपने नाम से करा लूँ, रसीद कटा लूँ अपने नाम से, मोटेशन करा लूँ अपने नाम से, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि कोर्ट में जाके आपको मुकदमा करना पड़ेगा। कोर्ट में आपको पार्टीशन सूट का मुकदमा करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि जिस ज़मीन का आपका बंटवारा कराना है, जिस ज़मीन में आपका हिस्सा बनता है, पूर्वज की संपत्ति, आपको चाचा नहीं दे रहा है, भाई नहीं दे रहा है, आपको ताऊ नहीं दे रहा है, आपको रिश्तेदार नहीं दे रहा है, तो उसमें बंटवारा के लिए आपको करना क्या है कि उस ज़मीन का जो भी कागजात है उसका सर्टिफाइड कॉपी आपको निकाल लेना है। सर्टिफाइड कॉपी आप जानते ही होंगे, या फिर आप कहेंगे कि उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टी का कागजात मेरे पास नहीं है, मेरे चाचा के पास है, या फिर मेरे भाई के पास है, या मेरे जो रिश्तेदार है उसके पास है, तो इसका भी सोल्यूशन है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टी का खाता नंबर, खेसरा नंबर पता कर लें। वो पता चल जाएगा आसानी से, आप नक्शा से भी देख सकते हैं, या फिर किसी अमीन से भी उस नक्शे को दिखवा के वहाँ से ज़मीन नंबर पता कर सकते हैं। वो खाता नंबर, खेसरा नंबर से आप ऑनलाइन भी उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं पूरा, या फिर आप जब रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तो रजिस्ट्री ऑफिस में एक काउंटर होता है, वहाँ पर कुछ शुल्क जमा करने के बाद आपको सर्टिफाइड कॉपी वहाँ पर मिल जाएगा, जिसे हम खतियान कहते हैं, ज़मीन का आपका रजिस्टर्ड सर्टिफाइड कॉपी वहाँ से आपको दे दिया जाएगा कुछ शुल्क लेकर, जो ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी होगा, और उसके आधार पर वो पेपर लेकर आप किसी सिविल का एडवोकेट से मिले, सिविल का एडवोकेट जो ज़मीन जायदाद का केस लड़ते हैं उनसे आप मुलाकात करें, उनसे मिले और उनको ये केस सौंप दे, सारा मामला बताकर कोर्ट में पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर हो जाएगा इसी कॉपी के आधार पर, इसी पेपर के आधार पर। जब आप पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर करवाएंगे किसी एडवोकेट से आप कोर्ट में, तो वहाँ पर होगा क्या कि दायर करने के बाद जब एक्सेप्ट हो जाएगा केस, जब एक्सेप्ट हो जाएगा कोर्ट में केस, तो उसका एक सर्टिफाइड कॉपी निकाल लें, उस केस का भी एक सर्टिफाइड कॉपी निकाल लें, उस कॉपी को आप रजिस्ट्री कार्यालय में एक आवेदन के साथ जमा कर दें। आवेदन में आपको लिखना क्या है, आवेदन में आप खुद से भी लिख सकते हैं, या फिर आपके जो एडवोकेट होंगे उनसे भी लिखवा सकते हैं, वो भी लिख देंगे, लेकिन आप खुद भी लिख लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ लिखना है नहीं। उस आवेदन में आपको रजिस्ट्रार के नाम से लिखना है, और ये चीज़ लिखना है कि इस ज़मीन पर ये फलाने नंबर का मुकदमा चल रहा है, जब तक कि इस केस का जजमेंट ना आ जाए तब तक इस ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जाए। तो आप रजिस्ट्रार के पास दे देंगे रजिस्ट्री ऑफिस में, या फिर आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, उसका कॉपी आपके पास रखना पड़ेगा, रिसीविंग रखना पड़ेगा। उसके बाद आप करेंगे क्या कि आपके इलाके का जो हल्का कर्मचारी है, राजस्व कर्मचारी है, जो रसीद काटते हैं ज़मीन का, लगान रसीद काटते हैं, उनके पास भी एक कॉपी आप दे सकते हैं, ताकि ज़मीन खरीद बिक्री हो तो दाखिल खारिज ना हो, और एक कॉपी आप अंचल कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। ये तीन जगह अगर आप जमा कर देते हैं कॉपी को, अपने सर्टिफाइड कॉपी को, तो होगा क्या कि वो ज़मीन अगर बिक भी जाता है, बेच भी देता है किसी से बिना बंटवारा किए, तो वो रजिस्ट्री वैलिड नहीं होगा, और उस ज़मीन का कभी मोटेशन नहीं होगा। ये केस जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, इस केस का जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक ये ज़मीन खरीद बिक्री कोई भी नहीं कर पाएगा, और किसी भी हालात में आपका हिस्सेदारी कोर्ट से बांट के मिलेगा ही मिलेगा, सबका, जिसका जितना हिस्सेदारी होगा उस अनुसार डिवाइड करके सबका हिस्सेदारी बंटवारा कर दिया जाएगा, या फिर आपने केस फाइल किया है सिर्फ अपने हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो आपका हिस्सेदारी जरूर जजमेंट में निकाल दिया जाएगा। जजमेंट में ये बता दिया जाएगा कि आपका इतना हिस्सा हो रहा है इस ज़मीन में और इतना हिस्सेदारी इसको दे दिया जाएगा। जब कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा कि सभी का हिस्सेदारी दे दिया जाए, आपका इतना हिस्सेदारी हो रहा है, जब बंटवारा करके कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा, तो आप उस जजमेंट के आधार पर अंचल कार्यालय में आवेदन देंगे मोटेशन के लिए, और वहाँ से मोटेशन करके फिर आपको हल्का कर्मचारी के पास रसीद काट के आपके नाम से दे दिया जाएगा, फिर वो ज़मीन आपकी हो जाएगी, आपके नाम से हो जाएगी, वो ज़मीन आपका है, आप बेच सकते हैं, या फिर घर बना सकते हैं, या फिर किसी यूज में ला सकते हैं। इसमें एक खास बात आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जिस ज़मीन में बंटवारे का आप दावा कर रहे हैं, जिस ज़मीन में आप बंटवारे का दावा कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति बता रहे हैं, उस ज़मीन के
मालिक जिंदा ना हो, मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आपके दादा के जमीन में आप हिस्सेदारी मांग रहे हैं अपने पिताजी से, अपने चाचा से, अपने भाई से या चचेरे भाई से, तो आपके दादाजी जीवित नहीं होना चाहिए, या फिर अपने पिताजी के जमीन में हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो आपके पिताजी जीवित नहीं होना चाहिए। पैतृक संपत्ति उसे कहते हैं जो पूर्वज का संपत्ति है, और पूर्वज के संपत्ति में बंटवारा आप तभी कर सकते हैं जब जिसके नाम से प्रॉपर्टी है वो जीवित नहीं है, वो जीवित नहीं है तो आप कभी भी बंटवारा करा सकते हो, जमीन में अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं।